नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान। आज्ञा चक्र पे हम चर्चा कर रहे थे। आज्ञा चक्र पर ये पूरी सीरीज चल रही है और ये चौथा अध्याय है। आज्ञा चक्र पर हमने बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर रखी है, जैसे सातों चक्रों में आज्ञा चक्र का क्या महत्व है, जैसे आज्ञा चक्र के लिए क्या खाना या क्या पीना चाहिए, आज्ञा चक्र के लिए क्या निषेध है, आज्ञा चक्र की क्या शक्तियाँ हैं, ये सारी चर्चा हमारे पुराने अध्यायों में हो चुकी है जो कि इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज मैं कुछ अनुभव आपको साझा करूंगा कि बाकी योगियों के क्या अनुभव रहे हैं, मेरे स्वयं के क्या अनुभव रहे हैं, और जिनके साथ मैं अभ्यास किया हूँ, जिन्होंने मैं सिखाया हूँ और जिनके साथ मैंने अभ्यास किया है, उन्होंने कैसे कैसे अनुभव प्राप्त किए हैं आज्ञा चक्र के साथ, वो मैं आपको बताऊँगा। आज्ञा चक्र पर जब भी आप अभ्यास करेंगे तो आपको अभ्यास के कुछ ही दिनों के बाद एक टिंकलिंग सेंसेशन हमेशा बना रहेगा आपके आज्ञा चक्र के स्थान पर, दोनों भवों के बीचों बीच तकरीबन 1 सेंटीमीटर का घेरा गोल उस जगह पर। अब वो सेंसेशन पूरा ऐसे खिंचाव बना रहेगा आपके हर तरफ से, ऐसे खिंचाव आज्ञा चक्र की तरफ रहेगी। ये एक अनुभव है जो कि सबसे कॉमन है। दूसरा अनुभव जो कि नीचे से ऊपर की तरफ खिंचाव हमेशा बना रहेगा, इस तरह से जब भी आप ध्यान में बैठेंगे इस तरह का खिंचाव बना रहेगा। तीसरा एक बहुत कॉमन अनुभव ये रहता है कि हमेशा ऊर्जा आपके मूलाधार से, मतलब कि गुदा द्वार के पास से, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए महसूस होगी। कुछ ही समय के अभ्यास के बाद, क्योंकि कुंडली ऊपर की तरफ उठ रही होती है, ये बिल्कुल वैसा होगा जैसे कि आप एक बॉटल में, एक बड़े से ग्लास में एक बॉटल में पानी भरेंगे और उसमें एक वजन सा कोई पत्ता डाल देंगे जो कि नीचे रख बैठा हुआ है, और उसको एक लकड़ी से जब गोल गोल घुमाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे तो कुंडली घूमनी शुरू हो जाएगी और उस गोल गोल घूमने से वो जो पत्ता है उठते हुए ऊपर की तरफ आएगा। तो ये जो पत्ता ऊपर की तरफ आ रहा है, वैसा ही अनुभव हमारे शरीर के भीतर होने लगता है कि कोई चीज़ है, कोई ऊर्जा है जो नीचे बैठे हुए थे वो ऊपर की तरफ आ रही है। तो ये बहुत ही कॉमन अनुभव है जो आज्ञा चक्र के साथ होते हैं। अब इसके साथ कुछ स्पेसिफिक अनुभव जो योग में आप आगे बढ़ते जाते हैं, जब इस साधना में आगे बढ़ते जाते हैं, तो कैसी कैसी बातें आपको देखने को मिलेगी। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप सपने में हैं, कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा जैसे आप जाग रहे हैं। आपको लगेगा कि आप जाग रहे हैं, सब कुछ ओके ओके चल रहा है, सब कुछ सही सही चल रहा है, अचानक आपको पता चलेगा कि आप सपने में थे और अब आप जागे। तो आपको सपने के भीतर भी सब कुछ रियल लगेगा, आपको सपने के अंदर भी सब कुछ रियल लगेगा, क्योंकि ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन डोर है, आपका पैनल ग्लैंड, आपका आज्ञा चक्र, ये रियलिटी, दोनों तरह की रियलिटी को, दोनों तरफ की रियलिटी को क्लियर कर देता है। जो भी उस डायमेंशन में है, जैसे हमारे देवी देवता, हमारे मैथोलॉजिकल बीइंग, जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे एंजल्स, आप वहाँ तक की चीज़ों को महसूस करना शुरू कर देते हो, देखना शुरू कर देते हो। कई बार आपके साथ ऐसे अनुभव होंगे कि कोई आया है और आपको बताया भी नहीं गया कि वो इंसान आया है, और आप बिल्कुल उसके साथ ऐसा बिहेव करोगे जैसे आप उसके साथ अभी थे। पकड़ में नहीं आई बात? देखो, बिल्कुल ऐसा होगा आपके साथ कि कोई एक कमरे में आप हो, आप अपना काम कर रहे हो और अचानक एक कोई पर्सन एंटर करता है आपके कमरे में जो कि बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नया, वो था ही नहीं यहाँ पे, लेकिन आप अगला सवाल या अगली बातें उनके साथ ऐसे करेंगे जैसे आप उनके साथ अभी बात कर ही रहे थे। मतलब आपके साथ कुछ घटना ऐसी होगी, वर्तमान और भविष्य और भूत, ये लीनियर हो जाएगा कि मतलब आप भविष्य में चलना शुरू कर देंगे कि जो चीज़ें होने वाली है वो आप अभी से होने लग जाएगा आपके साथ, आप उन चीज़ों के साथ वैसा महसूस करेंगे। ये बिल्कुल वैसा है कि आप थोड़ी देर के बाद बाइक चलाने वाले हो, लेकिन आप अपने शरीर में बाइक चलाने वाले अनुभव को अभी से महसूस करना शुरू कर चुके हो कि हवा गुजर रही है, कानों के पास गुजर रही है, आँखें ऐसे ऐसे हो रही है। तो ऐसे आप अनुभव कर पाओगे, चीज़ों को पहले से जान पाओगे, महसूस कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ों को देख पाओगे जो आम लोग नहीं देख पाते हैं। आप लोगों के बारे में प्रिडिक्ट कर पाओगे,
पहले से ही समझ पाओगे, उनके अच्छे और बुरे को जान पाओगे। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में जाते हैं, अगर आप एंजल कार्ड रीडिंग में जाते हैं, अगर आप एंजल हीलिंग करते हैं, तो बहुत काम आएगा आपका ये थर्ड आई, क्योंकि आप जब कार्ड्स खोलते हैं तो आप बहुत शानदार प्रेडिक्शन कर पाते हैं, बहुत सही तरीके से बता पाते हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको कार्ड्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एस्ट्रोलॉजी में अगर जा रहे हैं, किसी का हाथ देखते हैं, हस्तरेखा विज्ञान में जाते हैं, तो बहुत कम चीज़ों को देख करके आप बहुत सारी चीज़ें बता पाएंगे। किसी के माथे की रेखा को देख करके बहुत सारी चीज़ें बता पाओगे। किसी के सिर्फ चाल को देख करके, किसी के चेहरे को देख करके, उनके जीवन में क्या चल रहा है, वो कैसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनको अभी क्या सुनना चाहते हैं, वो अभी क्या बोलना चाहते हैं, ये आप पता कर पाएंगे। मतलब कि ये आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें बाय प्रोडक्ट है आज्ञा चक्र की। मतलब आप आज्ञा चक्र पे काम कर रहे हैं तो बाकी सारी चीज़ें आपको वैसे ही मिल जा रही हैं। तो ये कुछ शानदार चीज़ें हैं जो आज्ञा चक्र से जुड़ी हुई हैं। आज आपको एक चीज़ और समझाऊंगा कि आज्ञा चक्र के साथ कुछ चीज़ें खतरनाक भी हो सकती हैं, जैसा कि आपको दूसरे डायमेंशन के प्राणी दिख सकते हैं। आप समझ रहे हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, दिख सकते हैं, आप घबरा सकते हैं। तो हमेशा अपने आज्ञा चक्र को प्रोटेक्ट रखिए, प्रोटेक्शन बना के रखिए। जब आज्ञा चक्र पर आप काम कर रहे हैं शुरुआती समय में, तो आज्ञा चक्र पर तिलक कीजिए ताकि वो सुरक्षित रहे। आप ज़रूरी नहीं है कि चंदन का ही तिलक करें, या ज़रूरी नहीं है कि घी का ही तिलक करें। वैसे चंदन या घी सबसे उचित, सबसे अच्छा होता है। आप केवल पानी को इस तरह से हाथों में ले करके, प्रार्थना करके इस तरह से तिलक कर सकते हैं, एक पूरा घेरा बना सकते हैं, जिससे आज्ञा चक्र हमेशा कवर्ड रहेगा। तो आज्ञा चक्र को सुरक्षित रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपको उसके साथ कोई भी प्रैक्टिस नहीं है। आप नहीं जानते हैं कि आपको आपके आज्ञा चक्र के साथ कैसे रहना है, क्योंकि ये सारी क्रियाएं गुरुओं के साथ रहकर की जाती है। जब मैं आप लोगों को यहाँ ऑनलाइन सिखा रहा हूँ बेटा, लेकिन मैंने ये सारी क्रियाओं को अपने गुरुओं के साथ रहकर ही सीखा है। तो आश्रमों में रहकर, गुरुओं के साथ रहकर हम वो सारी चर्या का पालन करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन, खान पान का ध्यान, ध्यान का ध्यान, सोचने और विचारने का ध्यान, सत्संग। हमेशा हमें सही चीज़ों को गाइडेंस दिया जा रहा है, हमेशा हमें जब भी हम गलत रास्ते पर चल रहे थे हमें बताया जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत आसान था, क्योंकि आप घर में गृहस्थ रहकर कर रहे हैं तो आपको थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। मुश्किलें मतलब आपको बड़ी मुश्किलें नहीं आएंगी, आपको छोटी छोटी मुश्किलें बार बार परेशान करेंगी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपको हाथी टक्कर नहीं मारेगा, आपको मच्छर काट काट के परेशान करेंगे, या मच्छर भिन भिना के परेशान करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो अब आपको अपने आज्ञा चक्र के साथ शांभावी मुद्रा का भी प्रयोग करना है। शांभावी मुद्रा क्या होती है? शांभावी मुद्रा में हम अपनी दोनों आँखों को अपने आज्ञा चक्र के पास ले जाते हैं। तो यह है शांभावी मुद्रा। शांभावी मुद्रा पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, मेडिटेशन के साथ बनाऊंगा। इसके बाद आपको शांभावी मुद्रा पर ही एक पूरा मेडिटेशन मिलेगा। शांभावी मुद्रा क्या होती है, कैसे होती है, समझाऊंगा। अभी आप जान लीजिए, शांभावी मुद्रा में हम अपनी दोनों आंखों को अपने आज्ञा चक्र पर ले जाकर टिका देते हैं। ये शांभावी मुद्रा इतना शक्तिशाली है कि महागुरु श्री योगानंद जी ने शांभावी मुद्रा के प्रयोग को ही करते करते समाधि ली थी। मतलब वो समाधि में जाने से पहले शांभावी मुद्रा को आज्ञा चक्र में टिका करके अपने सारे प्राणों को इकट्ठा करके वो समाधि में चले गए थे। योगानंद जी के बारे में आप बहुत कुछ जान सकते हैं, इंटरनेट में बहुत सारी जानकारियाँ रखी हुई है। उन्होंने अपना शरीर खुद ही छोड़ा था, और शरीर छोड़ने के बाद भी 20-22 दिनों तक उनका शरीर बिल्कुल ताज़ा ही था। तो ये सच्ची घटनाएँ हैं, वीडियो में रिकॉर्डेड घटनाएँ हैं जो आप इंटरनेट में देख सकते हैं। चर्चाएँ बहुत सारी है आज्ञा चक्र को, और बहुत सारी चीज़ों में हमें समझना है। ये पूरी की पूरी जो आपकी आज्ञा चक्र की सीरीज़ चल रही है, इसमें आपको दिन ब दिन रोज़ प्रैक्टिस करते रहना है। खाना क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, पिछले वीडियो में बताया था, उसको ज़रूर देखना। और कोई भी वीडियो छोड़ना मत बेटा, क्योंकि ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है, ये पूरा का पूरा जो सत्संग है आपका आज्ञा चक्र को लेकर के, उसमें हर एक चीज़ बहुत बारीक है। तो आपको ध्यान रखना है। आने वाले समय में मैं आज्ञा चक्र से किसे जुड़े योग आसन समझाऊंगा, आज्ञा चक्र से जुड़े आपको ध्यान
करना सिखाऊंगा, ध्यान के लिए मेडिटेशन भी बना करके दूंगा ताकि आप सुनते हुए आगे चक्र को कर सकें। त्राटक की सही विधि हम साथ में करेंगे, साथ में करेंगे मतलब मैं करके दिखाऊंगा और आप लोग उसमें साथ में शामिल होंगे। तो ये आज्ञा चक्र का पूरा अध्याय आप लोगों के लिए जीवन बदलने वाला होगा। तो चलिए आने वाले अध्याय में हम क्या समझेंगे, शांभावी मुद्रा का सही प्रयोग। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।